हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स। यहाँ पर मेजर लीग सॉकर का एक मैच हो रहा है, मेजर पोर्टलैंड टाइम्बर्स वर्सेस लॉस एंजलिस के बीच। देन बात करें, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। तो ये मैच तो अपनी जगह है, ठीक है, 8 बजे मैच है पोर्टलैंड टिम्बर्स और लॉस एंजलिस का। लॉस एंजलिस एफसी इंटर मियामी से लास्ट मैच आ रही थी, तो वो थोड़ा बड़ा अलग लेवल था, तो लॉस एंजलिस अंडर प्रेशर हो सकती है। बट पोर्टलैंड टिम्बर्स भी कोई इतनी बड़ी टीम तो है नहीं जिसके चक्कर में वो प्रेशर में आए, इसलिए मेरा मानना है कि लॉस एंजलिस एफसी को मैच अच्छी तरह जीत जाना चाहिए, जो उनकी पावर है। उसके बाद कल तो इंडिया का भी मैच है भाई लेवनन के साथ, ये बढ़िया है, ये तो एनालाइज अभी करना है मेरे को। बाकी मैंने यूरो का कर लिया है कजाकिस्तान का, और वीडियो कल आएगी। कल बहुत अच्छे मैच हैं, देखो 9:30 भी दो है, फिर 12:15 कॉन्टी दो मैच, फिर ललीगा का, उसके बाद CONCF नेशन का वीडियो आएगी, सुबह तक की जितने मैचेस होंगे सबकी वीडियो, तो बहुत मज़ा है यार, आपको मज़ा आने वाला है, बस मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं, पहले हम सॉरी बात करें इसकी, ये अपना पोर्टलैंड टिम्बर्स और लॉस एंजलिस की। तो मैं आपको बताऊँ कि इस मैच, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, ठीक है, तो मैं इस मैच के अंदर बहुत एक इजी सी टीम बनाने वाला हूँ, बट यहाँ पर आपको कुछ एक दिक्कत आएगी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ना क्या है, सी वेला को मैं शुरू से एक एज अ स्ट्राइकर के नज़रिए से देखता आया हूँ, और हर बार टीम में मैंने इसको लिया है, और इस बंदे ने हर बार मेरी टीम में अपना बेस्ट दिया है। लेकिन क्या है कि इनका एक प्लेयर है डेनिस बोंगा, वो स्ट्राइकिंग में हम मेरे को कर रहा था परेशान, और आज क्या अच्छी बात हुई है, वो आज है नहीं स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर, वो मिडफील्डिंग सेक्शन में, तो आज हम आराम से मैरियो गोंसलेस ग्यूटरेस को ले पाएंगे। तो आज के मैच में ग्यूटरेस क्या करता है बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि लॉस एंजलिस को ज्वाइन हुए इसको आई थिंक 2 हफ्ते भी नहीं हुए, और इस बंदे ने अपना पहला गोल इनकी तरफ से कर भी दिया है। सो मेरी नज़र में एम गोंसलेस से आने वाला सितारा बन सकता है लॉस एंजलिस एफसी का, क्योंकि लॉस एंजलिस एफसी और लॉस एंजलिस गैलेक्सी दो टीम्स हैं, ठीक है, एक LAG एक LAF, इन दोनों का खूब नाम है लॉस एंजलिस में, USA में। सो एम गोंसलेस यहाँ पर खूब नाम कमा सकता है। उसके बाद इनकी बात करें तो वाई चाराग महाघटिया जैसा मैं पागल लगता है, मेरे को खेलना आता नहीं, 10 मैच में 1 गोल का रेशियो आ रहा है, 30 मैच खेलता है तो 3 गोल करता है जाकर कहीं, तो मैं तो एफ बॉली को लूँगा, वो ना चले मेरे को दुख नहीं है, मैंने इसको नहीं लेना, मैंने ये मनुष्यत्व वाला खिलाड़ी है। एंड आगे से अगर बात करें मिडफील्डिंग की, डेनिस बोंगा को यहाँ पर हम लेंगे, हर बार यही कप्तान है मेरा, इंटर मियामी के खिलाफ कप्तान मेसी था, LSC के खिलाफ तो यही था, धोखा दे गया। उसके बाद सैन जोस से जितने पिछले मैच हुए हैं मोस्टली मेरा कप्तान ये रहा है, और मैक्सिमम मैच मैं जीता हूँ। इवेंडर को यहाँ पर हम लेंगे, इवेंडर इनका मेन प्लेयर है, इवेंडर के बाद एम बोगस जो कि असिस्ट के लिए जाना जाता है, बट बोगस के गेम प्ले पर इफेक्ट आना शुरू होगा धीरे धीरे, अब ये थोड़ा वीक पड़ेगा। अब आप बोलोगे भाई तू ये कैसे बता रहा है, मैं आपको बताता हूँ, ये वीक इसलिए पड़ेगा क्योंकि अब आ चुका है एम गोंसलेस, जब गोंसलेस नहीं था ना तो उसकी फॉर्मेशन में बोगस खेलता था, और अब बोगस किसकी फॉर्मेशन में खेलता था, डेनिस उसकी जगह खेलता था, अब बोगस हो गया नीचे, अब बोगस का क्या है, जहाँ ये बंदा 10 मैच में 4 गोल कर रहा था वहाँ आधा हो जाएगा, 2 आया करेंगे, जहाँ ये बंदा 10 मैच में 5 असिस्ट कर रहा था तो वहाँ पे 3 हो जाएंगी, क्योंकि अब गिरावट आएगी, बट अच्छा है ये अपने आप को संभाल लेगा। अगला प्लेयर डी एस्प्रिला, इसको नहीं छोड़ना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद नहीं खेलेगा फिर तो छोड़ोगे ही। एंड बात करें डिफेंडिंग की, डी प्लेशियस को तो लेना है, हॉलिंग्स हेड ने तो दिल जीता हुआ है, ये बंदा तो दिमाग से नहीं निकलता, लॉस एंजलिस की बात बाद में होती है, हॉलिंग्स हेड पहले दिमाग में घुस जाता है। और आगे से ए लॉन्ग की बात करूं, ए लॉन्ग को लेना है ले लो, बट ए लॉन्ग की जगह एक प्लेयर और आया नहीं है मेलडोंडो, अगर ये खेलेगा इसको लेना, ठीक है, अगर खेलेगा अभी आप ए लॉन्ग को सेव करो। बात करें गोलकीपिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर है इवैसिक अगर खेलता है तो अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट मैच नहीं खेला था, इवैसिक की जगह बिंगम आया था, तो बिंगम खेलता है तो वो भी ठीक है, दोनों में से एक लेना है। बात करें कप्तान की, कप्तान है हमारा डेनिस और वाइस कप्तान है सी वेला। तो ये मेरी टीम है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।